हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग जो अभी जो समय हो रहा है वह दोपहर के अप्रॉक्स 2 बज रहे हैं और आज मैं आपको पंजाब के कुछ अपने ही गांव के जो हमारा गांव है वो कैसा है वो आपको इस वीडियो में इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे या हमारा गाँव अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हम थोड़े हमारे यहाँ पे पंजाब में जो पिंड में गांव में जो एक वो है क्या नाम है ब्यास नदी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस अभी हम चल रहे हैं अपने ब्यास जो नदी है यहाँ पे और आइए मैं आपको मेरे गांव में जो गुरुद्वारा है वो आपको दिखाता हूँ। गुरुद्वारा साहब बना हुआ ब्यास नदी के पास का ही है ये और यहाँ पे छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ गंदगी भी है, गाय वगैरह लोगों ने रखी हुई है तो उसका गोबर वगैरह जो भी है वो यहाँ गांव घर में गाइस ऐसे ही रहता है, फेंकते रहते हैं। और ये रास्ता गाइस ऐसे जा रहा है, हमारे घर से थोड़ी दूर पर है। और ये गाइस एक यहाँ पे घर है और चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि ब्यास नदी जो है वो कैसी दिखती है। और अभी सुनने में आ रहा है कि पीछे से बांध वगैरह जो है वो खोले हुए हैं तो वो सारे जो है कि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे गुरुद्वारा है। और आज गाइस मौसम बड़ा कैड़ा टाइप का हुआ पड़ा है, काफ़ी हवा चल रही है और बहुत ठंडा मौसम है। और आपको विंड नॉइज जो हवा की वो जो होगी जो नॉइस होगी वो सुनाई दे रही होगी। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि ब्यास नदी वगैरह जो है वो कैसी दिखती है। तो गाइस अभी हम पैदल चल रहे हैं और हम ब्यास नदी पे पहुंचने ही वाले हैं। और आज गाइस मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है तो इस वजह से मौसम जो है वो साफ़ दिख रहा है और ठंडा भी है, इसलिए हमारी थोड़ी सी हिम्मत पड़ गई इतनी दूर आने की। और नहीं तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि हिम्मत ही नहीं रहती है कि हाँ इतनी गर्मी में हम लोग धूप में चल के और इतना दूर आएँ। तो और गाइस पंजाब है तो आप काफ़ी दिन बाद, जैसे मैं सिंगरौली में था तो सिंगरौली में तो हम मौसम वगैरह जो है वो काफ़ी ठंडा रहता था तो वहाँ की वीडियोस मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई। मैं वहाँ जॉब करता था लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से मुझे इमरजेंसी में ही यहाँ आना पड़ा और कुछ दिन की छुट्टी ले कर गाइस आया हूँ। और जितने दिन यहाँ आया हूँ छुट्टी ले कर तो उस दिन मैं आपको यहाँ का वीडियोज़ जो है और यहाँ के पंजाब का जो भी गाँव है खेत है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। और गाइस हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है और शायद ही आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई दे रही हो क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ की ब्यास नदी है वो कैसी दिखती है। गाइस ये देखिए ये है ब्यास नदी और बीच बीच में देखिए गाइस आपको थोड़ी दूर पे दिख रहा होगा वहाँ से जो है वो एक वो जो टावर दिख रहा है वो टावर के उस पार ज़्यादा गहरा है। और अभी तो बीच में यहाँ फ़िलहाल पानी नहीं था इतना जिसके वजह से यहाँ पे जो है वो घास वगैरह जम गया है। और ये देखिए यहाँ पर है अभी वो पानी बहुत गंदा हुआ पड़ा है। और ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत मौसम भी है और पानी का फ्लो भी बहुत। और गाइस इसी जगह पे एरिया पे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गहरा है ये और ये आपको आगे से दिखाते हैं। ये देखिए गाइस ये पहले ये जो जहाँ हम खड़े हैं ना ये गाइस ये काफ़ी आगे तक था वहाँ तक लेकिन ये मिट्टी से नीचे
ये पानी के फ्लो से घिसते घिसते जैसे इस तरीके से देखिएगा इस यहाँ पे मिट्टी टूट जाए, पत्थर जो है वो पानी के बहाव से ऐसे टूट जाते हैं तो गिर जाते हैं, वैसे ये बढ़ते जा रहा है इधर इधर। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस यहाँ तक आ गई। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये हवा कितनी तेज़ है, और हवा के चलते ही पानी का फ्लो देखिए कितना तेज़ आ रहा है इधर से, और वो देखिए आगे तक जा रही है वो। और ये बीच में है गाइस, ये जब पीछे बांध का पानी पीछे से छोड़ा जाता है तो ये वो पूरा जो ग्रीनरी आपको दिख रही है वो ग्रीनरी तक पूरा पानी भरा होता, पूरा ज़्यादा पानी, और काफ़ी गहरा भी है तो काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है देखने में। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी ग्राउंड है, और ये एक अंकल जो है अपनी भैंस वगैरह यहाँ चरा रहे हैं, और ये इधर छोटा सा मंदिर है एक गाइस, और देखिए यहाँ कितनी ग्रीनरी है, पूरा खेती वगैरह काफ़ी कुछ लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए गाइस ये मंदिर है, और ये अंदर में इनके हॉस्पिटल भी है एक छोटा सा, और मंदिर वगैरह भी है। ये देखिए गाइस यहाँ पे ऐसा रास्ता है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ खेती है काफ़ी अच्छी, तो और वहाँ पे एक वहाँ ये बाबा जी हैं, गौशाला भी बहुत बड़ी है, और यहाँ देखिए आपको बकरियाँ वगैरह दिखेंगी, ये देखिए एक बकरी है वहाँ, गाय भी है, और ये देखिए गाइस इधर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, और ये देखिए गाइस यहाँ गौशाला है एक ठो जहाँ गाय वगैरह बंधी हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गाइस ये खूबसूरत है यहाँ देखने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स वगैरह की गाय हैं, और ये देखिए ये हमारे यहाँ एक गांव में गाइस यहाँ संत रहते हैं, वो ये उन्हीं का गुरुद्वारा भी है, और उन्होंने गाय वगैरह रखी हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रीड की भी हैं और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है यहाँ। इधर भी ये देखिए गाइस यहाँ भी गाय वगैरह है, और ये देखिए यहाँ एक हॉस्पिटल भी है, गेस्ट हाउस टाइप का, मंदिर वगैरह सब कुछ बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का एरिया जो है। तो गाइस ये देखिए यहाँ का ये छोटा सा हॉस्पिटल भी है, और ये देखिए गाइस यहाँ पे ना बहुत, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत गाइस यहाँ का जो है गुरुद्वारा बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ जो भी है लोकेशन भी। और आज गाइस हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके वजह से जो है कि मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं सुन रही होगी, लेकिन ये देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत यहाँ की जगह है जो काफ़ी प्यारी है, और ये ब्यास नदी है उसके पास की ही जगह है ये। यहाँ पे एक गेस्ट रूम बना हुआ है देखिए, और ये इधर का जो है कि पार्किंग एरिया एक हिसाब से बैठने के लिए काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा एकदम पार्क टाइप की बनी हुई है। तो गाइस आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो प्लीज़ जो वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए आते हैं, वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है वो आने वाले ब्लॉग्स में लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइड्स आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, चलिए बाय, गुड।